सॉइल कंजर्वेशन मेथड्स, हर एक मेथड बहुत इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट इज मल्चिंग. देखते हैं मल्चिंग क्या होता है. द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रॉ. इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर. जहां पे प्लांट्स लगे होते हैं ना, कई बार आप नर्सरी वगैरह में भी आपने देखा होगा कि प्लांट्स के बीच में जो खाली जगह होती है उसको कई बार ऑर्गेनिक मैटर है जैसे कि स्ट्रॉ है या फिर लीव्स हैं, उनसे ढक दिया जाता है. कई बार जंगलों में भी ऐसा किया जाता है. तो ऐसा करने से क्या होता है, जो सॉइल की जो मॉइस्चर है वो उसके अंदर रहती है. सॉइल की मॉइस्चर रिटेन करने के लिए ये किया जाता है. ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो मॉइस्चर को खत्म नहीं होने देते हैं. नेक्स्ट इज कॉन्टूर बैरियर्स. कॉन्टूर का मीनिंग होता है कर्व. ठीक है, स्टोन्स ग्रास सॉइल आर यूज टू बिल्ड कॉन्टूर बैरियर्स अलोंग कॉन्टूर्स. आपने देखा होगा कि गांव वगैरह में अक्सर क्या होता है कि कई जगह पे पैरा बिछा दिया जाता है ना, या फिर जो सूखी हुई घास होती है वो बिछा दी जाती है, वो लगा दी जाती है, या फिर खेत के आसपास क्या होते हैं स्टोन्स का एक बैरियर बना दिया जाता है. तो उससे क्या होता है, उससे पानी बह नहीं पाता है ना, और पानी के साथ में जो फर्टाइल सॉइल है वो भी नहीं बहेगी, मिट्टी का कटान बचेगा और उसमें जो है फार्मिंग करने में आसानी रहती है. मैं आपको यहाँ पे बनाकर भी बता देती हूँ. अब देखिए, ये मान लीजिए कोई कॉन्टूर है, मीन्स हल्का सा कर्व्ड एरिया है. अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे यहाँ पे स्टोन्स का एक बैरियर बना दिया, पूरा स्टोन्स का बैरियर बना हुआ है. ठीक है, ये बैरियर बना है और यहाँ पे इस एरिया में कोई क्रॉप ग्रो कर दी, यहाँ पे पूरी क्रॉप ग्रो की गई है. तो ये जो ये स्टोन्स का बैरियर है यहाँ से मिट्टी के कटान को भी रोकेगा और साथ ही साथ जैसे पानी यहाँ पे फिल किया गया, खेतों में पानी भर दिया गया, तो वो पानी को भी रोकेगा. अब अगर हम सूखी घास बिछाते हैं या फिर पैरा लगा देते हैं जैसे गांव में वो लोग करते हैं, तो वो क्या करता है, वो पानी को भी सोखे रहता है और जब जो है पानी की कमी होती है तो उस टाइम पे भी वो मॉइस्चर को रिटेन करता है. आपने पिछली स्लाइड में भी पढ़ा था ना कि जो स्ट्रॉ या ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सॉइल में मॉइस्चर को रिटेन करता है. तो ऐसे ही कई सारे, मतलब जैसे यहाँ पे भी कोई क्रॉप ग्रो की हुई है, यहाँ पे भी बैरियर बना दिया. अब आप चाहे स्टोन का यूज करके बैरियर बनाइए या सॉइल का यूज करके या फिर ग्रास का या किसी प्लांट का, छोटे छोटे जो प्लांट होते हैं, झाड़ियां होती हैं, इन सब का यूज करके बैरियर बनाया जाता है. ट्रेंचेस आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर. जैसे ये बैरियर बना है, इसी के आगे यहाँ पे ट्रेंच में पतली सी नाली बना दी, तो उसमें क्या होगा, जो रेन वाटर होगा वो कलेक्ट हो जाएगा, तो उससे खेती करने में आसानी रहेगी, पानी की कमी नहीं हो पाएगी. आप इसको, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा सा बनाकर दिखा रही हूँ. ये मान लीजिए कोई खेत है, यहाँ पे क्रॉप ग्रो की गई है, ये ट्रेंच है, इसमें वाटर कलेक्ट हो जाएगा, बारिश होगी तो वाटर कलेक्ट हो जाएगा या कुछ भी होगा तो वाटर इसमें कलेक्ट हो जाएगा. और यहाँ पे बैरियर बना हुआ है, मान लीजिए मैंने स्टोन्स का बैरियर बनाया है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्टोन्स का बैरियर बनाया है, कॉन्टूर बैरियर, यहाँ पे कर्व पे मैंने बैरियर बनाया है और यहाँ पे ये ट्रेंच है जिसमें वाटर कलेक्टेड है, तो इससे मिट्टी का कटान भी रुकेगा और ये पानी भी रुका रहेगा, है ना. और अगर यही जैसे गांव में मैंने बताया या पहाड़ों पे भी कई बार जो ड्राई ग्रास होती है, जैसे मैंने पैरा बताया, उसका भी अगर कॉन्टूर बैरियर बनाया जाता है तो वो क्या करता है, मॉइस्चर को रिटेन रखता है ना, सॉइल की मॉइस्चर को बनाए रखता है. नेक्स्ट इज रॉक डैम्स. रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. इट प्रिवेंट्स सॉइल लॉस. रॉक्स एक के ऊपर रॉक्स खड़ी करके एक पाइल, एक चट्टा टाइप का बना देते हैं, जिससे क्या होता है कि वाटर का जो फ्लो होता है वो रुक जाता है. ये भी अक्सर माउंटेन एरिया में मतलब किया जाता है जहां पे बहुत फ्लो के साथ में वाटर बह रहा होता है, तो वहां पे अगर ऐसे रॉक्स रॉक के ऊपर रॉक कर दी तो बीच बीच से थोड़ा थोड़ा पानी फ्लो करेगा ना,
उसकी जो स्पीड है, वाटर की फ्लो की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, इससे सॉइल लॉस रुक जाता है। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग क्या होता है? ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सर्फेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। जो बहुत ही ज्यादा ढालू एरिया होते हैं, बहुत बहुत ज्यादा ढलान होती है जहां पे, तो वहां पे टेरेस जैसे ये बालकनी होती है ना फ्लैट सरफेस, तो वहां पे वो जो ढलान वाला एरिया होता है उससे छोटी छोटी टेरेस टाइप की, छोटा छोटा मतलब फ्लैट स्टेप्स बना लेते हैं, सीढ़ियां टाइप की बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है वहां पे क्रॉप आसानी से ग्रो की जा सकती है और बारिश के पानी के साथ में वहां की मिट्टी का कटान भी रुकेगा, सॉइल इरोजन रुकेगा और पानी भी जैसे हमने सिंचाई की तो ऐसा नहीं होगा कि वो सब पानी बह गया है, क्रॉप को मिला ही नहीं है, तो उसमें भी सिंचाई वगैरह में भी आसानी रहती है। मैं आपको फिगर बना के समझा रही हूँ। जो बहुत ही ऊंचे ऊंचे हिल एरियाज होते हैं या माउंटेन्स होते हैं तो वहां की ये जो स्लोप होती है ये बहुत ज्यादा यहाँ पे ढलान होती है, तो यहाँ पे खेती करने में बहुत दिक्कत होती है, तो जो फार्मर्स होते हैं वो इस तरीके से टेरेस स्टेप्स बना लेते हैं, जैसे ये एक स्टेप हो गया, ये एक दूसरा स्टेप हो गया, मतलब थोड़ी थोड़ी मिट्टी काट काट करके ऐसे सीढ़ियां टाइप की बना लेते हैं। अब ये फ्लैट एरिया मिल गया ना तो यहां पे ही क्रॉप ग्रो कर दी जाती है। ऐसे जो स्टेप्स बना लिए जाते हैं, घरों में जो ढलान होती है ना, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं, तो वो सीढ़ी डायरेक्टली ऐसे भी तो बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसे क्यों नहीं होती है, वहां पे स्टेप्स ऐसे, वहां पे इस तरीके से फ्लैट स्टेप्स बनाए जाते हैं, है ना। ये फ्लैट स्टेप्स क्यों बनाए जाते हैं, क्योंकि जिससे ये जो ये फ्लैट सर्फेस हम लोग को मिल जाती है, यहाँ पे हम लोग आसानी से पैर रख रख करके चढ़ सकते हैं, तो सेम वही काम इधर भी होता है टेरेस फार्मिंग में भी, वहां पे ऐसे ये फ्लैट स्टेप्स बना लिए जाते हैं, मिट्टी को थोड़ा थोड़ा काट करके ये जो ये टेरेस या स्टेप्स आप समझ लीजिए बनाए जाते हैं, तो इससे ये जो वो फ्लैट एरिया होता है वहां पे क्रॉप ग्रो कर दी जाती है, वहां पे क्रॉप ग्रो करने में आसानी भी होती है, मिट्टी का कटान भी कम होता है और साथ ही साथ जैसे बारिश हुई या सिंचाई की गई तो वो पानी यहाँ पे रुक जाएगा, जब फ्लैट सरफेस मिल गया है, अब जैसे फ्लैट सरफेस है यहाँ पे पानी अगर डालेंगे तो वो रुक जाएगा, यहाँ डालेंगे तो पानी सीधा नीचे चला जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से यहाँ पे सिंचाई करने में भी आसानी रहती है और बारिश हुई तो पानी रुक जाएगा खेत में, ऐसा नहीं है कि मिट्टी भी बहा ले गया पानी तो बह ही गया। तो आई होप कि आपको कॉन्टूर बैरियर और टेरेस फार्मिंग में डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा और ये दोनों चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी। कॉन्टूर बैरियर में हम किसी ना किसी चीज का यूज करते हैं, लाइक स्टोन्स, स्ट्रॉ या फिर जो ड्राई ग्रास, ये सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। बेटा ये सीढ़ीदार खेत है, सीढ़ीदार खेत आपने देखे तो नहीं है ना माउंटेन्स पे, तो बस वही है, मुझे लगता है कि मैं इतने अच्छे से बना नहीं पाई हूँ, बट आप अच्छे से ड्रॉ करिएगा। ये सीढ़ीदार खेत हैं जो टेरेस फार्मिंग होती है वो जब भी माउंटेन्स पे आप जाते हैं तो आपने देखा ही होगा। इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग मीन्स डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। जैसे मान लीजिए कई सारी यहाँ पे ऐसे लाइन्स बना ली, ठीक है, यहाँ पे कोई और क्रॉप ग्रो की जाएगी, इस वाली लाइन में कोई और क्रॉप ग्रो की जाएगी, जैसे इसमें आज हमने क्रॉप ग्रो की है तो इसमें आफ्टर टू वीक्स ग्रो करेंगे, इसमें किसी और चीज की क्रॉप किसी और मतलब कुछ और टाइम बाद ग्रो की जाएगी, मतलब डिफरेंट टाइम पे, तो उससे क्या होगा जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो की हैं तो डिफरेंट क्रॉप को डिफरेंट न्यूट्रिएंट की ज्यादा मात्रा चाहिए होती है, जैसे यहाँ पे लेग्यूमिनस प्लांट लगा दिया तो वो नाइट्रोजन भी फिक्स करता रहेगा, है ना, तो सॉइल में नाइट्रोजन की भी मात्रा बनी रहेगी,
इस वाली क्रॉप को मान लीजिए सल्फर ज्यादा चाहिए, अगली वाली को फॉस्फोरस ज्यादा चाहिए या पोटेशियम ज्यादा चाहिए, तो डिफरेंट जो न्यूट्रिएंट्स है वो भी बने रहेंगे। और डिफरेंट टाइम पे ग्रो करने से क्या होता है, जैसे ये वाली हमने आज ग्रो की है, ये 4 to 5 months बाद हमने काट ली, लेकिन ये वाली हमने बाद में ग्रो की थी तो ये वाली लगी रहेगी। इससे क्या होगा, वो मिट्टी एकदम खाली तो है नहीं, है ना, तो बारिश भी होगी तो ये मिट्टी बहेगी नहीं, इसमें कोई ना कोई क्रॉप लगी है तो वो रुकी रहेगी। नेक्स्ट इज शेल्टर बेड्स इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स। रोज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। जो कोस्टल या फिर ड्राई एरियाज होते हैं वहां पे एक लंबी सी रो में ट्रीज को प्लांट कर दिया जाता है, ठीक है। उससे क्या होता है, कोस्टल एरियाज में हवाएं बहुत तेज चलती है ना, देखिए इतनी तेज हवा चल रही है, वहां पे अगर हमने प्लांटेशन कर दिया है, खूब सारे ट्रीज को प्लांट कर दिया है एक लाइन से, तो क्या होगा, वहां की मिट्टी को जो प्लांट्स की जड़ें हैं वो बांधे रखेंगी, है ना, तो वहां की जो सॉइल कवर है वो प्रोटेक्ट रहेगा, सॉइल की लेयर उड़ करके नहीं चली जाएगी, मतलब मिट्टी का कटान रोकती है। नेक्स्ट इज कॉन्टूर प्लॉइंग। आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, मैं अभी सारे डायग्राम्स आपको दिखाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। प्लॉइंग पैरेलल टू द कॉन्टूर ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वॉटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। देखिए कॉन्टूर का मीनिंग मैंने क्या बताया था, कर्व। तो ये जो ये कर्व है ना, इसके पैरेलल ही ऐसे प्लाव कर दिया जाता है, उससे खांचे बन जाती हैं कुछ। अब ये खांचे बन गई हैं, ऐसे ही करके हर जगह खांचे बना दी जाती हैं, जिसको फरो या रेजेस बोलते हैं। तो क्या होगा, ये वाटर के फ्लो को जो है कंट्रोल करने के लिए बहुत हेल्प करता है इससे। अब जैसे पानी है, खांचे जो नालियां बनाई जाती हैं वो वाटर के फ्लो को कंट्रोल करती हैं ना, तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए, ये जो ये खांचे बनी हुई हैं इनमें से वाटर होकर के आराम से चला जाएगा, इससे जो सॉइल का कटान है वो भी बचेगा और वाटर का फ्लो भी कंट्रोल होगा, स्लो डाउन हो जाएगा। तो ये भी एक सॉइल के कटान को रोकने का एक बहुत ही इफेक्टिव मेथड है। ये भी मोस्टली हिल एरिया पे या जहां भी कर्व होता है या हल्का भी स्लोप होता है तो वहां पे इस तरीके का परफॉर्म करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतने अलग अलग मेथड्स क्यों हैं? बेटा लैंड फॉर्म कितना अलग अलग है ना, तो लैंड फॉर्म के हिसाब से कौन सा मेथड हमें फॉलो करना है ये चीज देखनी पड़ती है। आइए अब एक बार हम ये सारे मेथड्स को डायग्राम के साथ में रिवाइज करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये है मल्चिंग, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, मैंने मल्चिंग में बताया था, ये जो प्लांट्स होते हैं इनके आसपास जो भी जगह खाली होती है उस जगह पे कोई भी ऑर्गेनिक मैटर का यूज करते हैं। जैसे स्ट्रॉ का मैंने एग्जांपल दिया था, इसमें स्ट्रॉ का यूज किया गया है और उस स्ट्रॉ से पूरी आसपास की जो खाली जगह थी पेड़ के उसको ढक दिया है। इससे क्या होता है, सॉइल की जो मॉइस्चर होती है वो उसके अंदर रिटेन रहती है, मतलब सॉइल की नमी बरकरार रहती है। और ये जो ये प्रोसेस है मल्चिंग, ये मोस्टली कमर्शियल लेवल पे जब क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, जैसे कोई फ्रूट की है या वेजिटेबल क्रॉप है, तो उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहता है, क्योंकि उन क्रॉप्स में नमी की कमी ना हो और कम से कम टाइम में जल्दी से ग्रो हो जाए, अच्छी क्रॉप ग्रो हो, तो इसलिए इस स्टेप का यूज करते हैं। नेक्स्ट इज कॉन्टूर बैरियर। ये देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये जो ढलान वाला एरिया है, तो यहाँ पे ये जो ये आउटर बाउंड्री है, आउटर बाउंड्री, यहाँ पे बैरियर बनाने के लिए किसी ना किसी चीज का यूज करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था स्टोन का यूज करते हैं या फिर कई बार घास का यूज करते हैं, जो सूखी हुई ड्राई ग्रास होती है तो जिसे पैरा कहते हैं हिंदी में, तो इन चीजों का यूज करके कॉन्टूर्स पे यानी कर्व्स पे एक बैरियर बनाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, सॉइल का कटान रुक जाएगा, वाटर भी यहाँ पे रुक जाएगा और क्रॉप ग्रो कराने में आसानी रहेगी। ये आपने गांव में भी देखा होगा कि वो लोग ड्राई ग्रास का यूज करते हैं कॉर्नर्स पे, है ना, तो इससे वाटर भी रुक जाता है, वाटर भी कंजर्व होता है
क्रॉप को वाटर मिल पाता है प्रॉपर मात्रा में। अगर ये बैरियर्स ना बने होते तो वाटर पूरा स्लोप के थ्रू निकल जाता ना, वो रुकता ही नहीं, तो क्रॉप को वाटर भी नहीं मिल पाता और दूसरा मिट्टी का कटान भी रोकता है। ये देखिए, वो मैंने एक लाइन डायग्राम दिखाया था, ये कॉन्टूर बैरियर्स का रियल इमेज है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे बैरियर बनाए गए हैं, है ना, ग्रास का यूज करके बैरियर बनाए गए हैं, बीच में क्रॉप ग्रो की गई है, ग्रास की जगह पे स्टोन का भी यूज किया जाता है बैरियर बनाने के लिए, कई सारी चीजों का यूज करके बैरियर्स बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये रॉक डैम है। रॉक डैम में क्या होता है कि जो स्टोन्स होते हैं, बड़े बड़े जो स्टोन्स होते हैं या रॉक होती हैं, उनको एक के ऊपर एक पाइल अप कर दिया जाता है, तो इससे जो पानी का बहाव होता है उसे स्लो डाउन करते हैं ना। पानी का बहाव कम कर देने से क्या होगा, पानी का बहाव कम कर देने से मिट्टी का कटान रुक जाएगा, है ना, मिट्टी का कटान कम हो जाता है। तो ये रॉक डैम्स भी सॉइल को कंजर्व करने का एक मेथड है। ये इमेज है टेरेस फार्मिंग की, मींस सीढ़ीदार खेत। ये आपने देखा होगा जब भी आप माउंटेन या हिल एरिया पे जाते हैं, तो वहां पे आपने सीढ़ीदार खेत बहुत सारे देखे होंगे। वहां पे क्योंकि फ्लैट लैंड होता नहीं है, तो वहां पे एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे ही जीने टाइप के बनाए जाते हैं, सीढ़ियां बनाई जाती हैं, और वो जो वो फ्लैट सरफेस, ये थोड़ी थोड़ी फ्लैट सरफेस जो मिल रही है ना, इसी पे ही क्रॉप ग्रो कराते हैं, तो उससे क्रॉप्स आसानी से ग्रो करने में थोड़ी आराम भी हो जाती है और सिंचाई करने में या उनको पानी भी प्रॉपर मात्रा में दिया जा पाता है। ये है टेरेस फार्मिंग, सीढ़ीदार खेत। मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था, कॉन्टूर बैरियर में बैरियर्स बनाए जाते हैं किसी भी चीज का यूज करके, लाइक स्टोन्स है, ड्राई ग्रासेस हैं, और ये सीढ़ीदार खेत में टेरेस जीने बनाए जाते हैं, है ना। ये इमेज आप देख पा रहे होंगे, ये इंटरक्रॉपिंग की है। इंटरक्रॉपिंग मैंने क्या बताया था, कई सारी रोज होती हैं और हर रो में अलग टाइप की क्रॉप ग्रो की जाती है, अलग अलग टाइम पे ग्रो की जाती है। उससे क्या होता है, जैसे ये वाली क्रॉप मान लीजिए, ये फर्स्ट क्रॉप है, इसकी हमने कटाई कर ली, इसका कटाई का टाइम आ गया, तो ये वाली तो कटाई कर लेंगे, ये वाली जगह खाली हो गई, लेकिन अगली जो जगह पे क्रॉप ग्रो की गई है वो दूसरी है, दूसरे टाइम पे हमने ग्रो की है, तो वो तब तक लगी रहेगी, वो सॉइल को कंजर्व करेगी। और दूसरा एक ये भी बेनिफिट होता है कि इसको किसी और न्यूट्रिएंट की ज्यादा मात्रा चाहिए, दूसरी वाली क्रॉप को कोई और न्यूट्रिएंट ज्यादा मात्रा में चाहिए, तो इससे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, न्यूट्रिएंट्स का डिप्लीशन है, वो कम हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स का बैलेंस एक बना रहता है, बैलेंस मेंटेन करते हैं, तो ये भी सॉइल के लिए अच्छा होता है मेथड। आई होप आपको इमेज क्लियर दिख रही होगी। ये देखिए, ये शेल्टर बेल्ट है। शेल्टर बेल्ट मैंने बताया था कोस्टल एरिया या जो ड्राई एरियाज होते हैं, वहां पे ऐसे लाइन से ट्रीज लगा दिए जाते हैं। तो जब पेड़ लाइन से लग जाएंगे तो उससे क्या बेनिफिट होगा, जब तेज हवाएं चलेंगी तो तेज हवाओं के मूवमेंट को भी कंट्रोल किया जा सकता है ना। पेड़ क्या होते हैं, वो हवाओं के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं और थोड़ा रोक भी कम कर देते हैं हवाओं के मूवमेंट को। इससे जो ड्राई एरिया की जो सॉइल है वो उड़ेगी नहीं, सॉइल उड़ करके जो ऊपर की टॉप लेयर होती है सॉइल की, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है। अगर वो उड़ जाएगी, वो चली जाएगी दूसरी जगह, तो फिर वो फर्टाइल नहीं रह जाएगी ना। तो ये पहली बात तो विंड मूवमेंट को कंट्रोल करता है शेल्टर बेल्ट, और ये कोस्टल एरियाज में या ड्राई रीजन्स में बहुत हेल्पफुल होता है सॉइल को कंजर्व करने के लिए। अब ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये है कॉन्टूर प्लॉइंग की। तो इसमें क्या मैंने बताया था, वो जो कॉन्टूर्स होते हैं यानी जो कर्व होते हैं, उन्हीं के ही पैरेलल ऐसी रिजेस बना दी जाती हैं, रिजेस एंड फरोस। तो ये जो ये खांचे बनी हुई हैं, इसमें से होकर के वाटर जाएगा, तो वो क्या करेगा, वाटर के फ्लो को जो है, स्लोप से जब वाटर गिरेगा नीचे की तरफ, तो उसके फ्लो को कंट्रोल करेगा, उसके फ्लो को कम कर देगा, तो वो सॉइल का कटान भी रोकता है और साथ ही साथ वाटर का फ्लो भी कंट्रोल हो जाता है। ये देखिए इस तरह से, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसको आप टेरेस फार्मिंग से कंपेयर मत करिए, क्योंकि इसमें क्या है, टेरेस फार्मिंग में हम जो जीने बनाते थे टेरेस पे, वहां पे क्रॉप ग्रो करते थे, है ना,
फ्लैट एरिया मिल जाता था उससे। और यहाँ पे ये वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो यहाँ पे ये जो फ्लैट एरिया है, यहाँ पे रिजेस एंड फरोज बनाई है, है ना, प्लॉइंग का यूज करके रिजेस एंड फरोज बनाई है, तो वो वाटर के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तेजी से वाटर जब बह नहीं पाएगा स्लोप से नीचे की तरफ, तो मिट्टी का कटान भी रुकेगा, इससे सॉइल का कंजर्वेशन भी होगा। आई होप आपको ये सारे मेथड्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे।